क्वेश्चन नंबर 7, इफ द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज 6,25,000 विद एग्जेम्पशन ऑफ अमाउंट ऑफ आरएस 1,50,000 देन फाइंड द टैक्स चार्जेबल एट द रेट ऑफ 4.5%। कहता है एक बंदे की इनकम कितनी है 6,25,000 और छूट है इनकम पर उसकी कितनी काम उसे इनकम मिलेगी और 1,50,000 रुपये है, तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी 6,25,000 को माइनस करेंगे 1,50,000 से, तो उस पर फाइंड करना है चार्ज कितना लग रहा है, टैक्स कितना लग रहा है, 4.5% रेट गिवन है तो 4.5% ऑफ रिमेनिंग इनकम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे एनुअल इनकम, इनकम गिवन डाटा, ये एनुअल इनकम कितनी है आर एस 6,25,000, 6,25,000 एनुअल इनकम 6,25,000 विद एग्जेम्पशन ऑफ अमाउंट ऑफ आर एस 1,50,000, तो एग्जेम्पशन कितनी मिल रही है, एग्जेम्पशन छूट है जो इसको इनकम इनकम पर देने वाले पर छूट है कि वो इतनी इनकम नहीं देगा, एग्जेम्पशन या एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है, एग्जेम्पशन है उसको 1,50,000 आर एस 1,50,000 से एग्जेम्पशन है, तो टैक्सेबल इनकम कितनी बन जाएगी, 1,50,000 से छूट मिलेगी, 1,50,000 पर टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ 6,25,000 से माइनस करेंगे 1,50,000 जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी उस पर टैक्स लगेगा, तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम मतलब उसकी इतनी इनकम थी उसको इतनी छूट थी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन टैक्सेबल इनकम माइनस कर देंगे 6,25,000 को माइनस कर देंगे, 6,25,000 को माइनस कर देंगे किसे, 1,50,000, इधर भी एक और जीरो आएगा तो ये बन जाएगा 6,25,000 माइनस 5,00,000 एंड सॉरी ये बन जाएगा 6,625,000 माइनस 1,500, 4,75,000 ये आ जाएगा आर एस 4,75,000 और 4,75,000 रुपए। तो अब टैक्स रेट क्या है, रेट क्या, रेट ऑफ टैक्स या टैक्स रेट, रेट ऑफ टैक्स कितना गिवन है 4.5%, रेट ऑफ टैक्स 4.5%, तो टैक्स पेएबल टैक्स कितना बन जाएगा या पेएबल टैक्स, तो फाइन टैक्स चार्जेबल, तो पेएबल टैक्स कितना आ जाएगा, टैक्स पेएबल जो अदा करना है वो आ जाएगा 4.5% मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग अमाउंट कितनी थी जो 4,75,000 रुपए, 4,75,000 इसको लिख सकते हैं 4.5 पर डेसिमल भी रिमूव 10 × 100 परसेंटेज, जब सैंपल रिमूव होगा तो नीचे आ जाएगा 100 और डेसिमल रिमूव होगा तो नीचे 10 मल्टीप्लाई बाय 4,475, तो ये तीन जीरो से कैंसिल, 45 मल्टीप्लाई बाय 475, 45 मल्टीप्लाई बाय 475 ये आ जाएगा आर एस 21,375। उसने कितना टैक्स पे करना है, जो उसे टैक्स पे करना है, ये हमारा आंसर है आर एस 21,375 टैक्स जो उसने पे करना है, पे एबल जो उसने देना है वो कितना है आर एस 21,375 रुपए, यही जवाब है।